नमस्कार, मैं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। बीती रात भरतवाड़ा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ आपराधिक तत्व के लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ताजुब की बात तो ये थी कि ये जानकारी देने वाला शख्स खुद ही तलवार लेकर तीन लोगों के पीछे दौड़ रहा था। बीट मार्शल ने अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरकार इस आरोपी को धर दबोचा है। दरअसल ये आरोपी और दूसरे गुट का व्यक्ति एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पैसों के विवाद को लेकर दोनों में आपसी झगड़ा होने की बात भी सामने आई है। फैब्रिकेटर होने की वजह से उस पर कोई भी गुनाह दर्ज नहीं है। फिलहाल इस मामले में अपराधी का पुराना रिकॉर्ड भी पुलिस खंगालने में जुट गई है। रात तकरीबन 21 बजे के करीब हमारे बीट मार्शल को 112 से एक कॉल आया कि कहीं झगड़ा चल रहा है। भरतवाड़ा परिसर में झगड़ा चलने की जानकारी से जब बीट मार्शल वहां पे पहुंचे तो वहां पे झगड़ा वाकई में चल रहा था, लेकिन जो कॉलर था वो कॉलर बाकी तीन लोगों के पीछे तलवार लेके दौड़ते हुए पाया गया। हमारे बीट मार्शल दो ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस हमले से उसको बचाया, उसके हाथ से वो तलवार जब्ती की और धारा 4/25 भारतीय हथियार कायदा अंतर्गत गुनाह दर्ज किया है। दोनों ही आपस में बुआ का लड़का और मामा का लड़का, ऐसा उनका रिलेशन है। जो आरोपी पकड़ा गया है, आरोपी के कुछ पैसे इस लड़के की तरफ बाकी थे लेना, फिरियादी की तरफ, फिरियादी यानी दूसरे 294 का जो फिरियादी है उसमें उसके तरफ से कुछ पैसे लेने थे और वो दबाव बना रहा था कि मेरे तरफ इतने पैसे आते नहीं, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। इस वजह से उनका आपसी झगड़ा हुआ था और वो झगड़े के चलते अपने पैसे प्राप्त करने के लिए आरोपी ने तलवार लेके उसके पीछे दौड़ा, जो कि बेकायदे गैर कानूनी है। कुछ अलग तरीके से भी ये कार्रवाई हो सकती है, इसी वजह से गुनाह दर्ज किया गया। वो अपने प्रोफेशन से फैब्रिकेटर है और फैब्रिकेटर के लिए तलवार बनाना कुछ बहुत कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर कोई भी गुनाह दर्ज नहीं है, एकदम पारिवारिक।